अस्सलाम वालेकुम, आज बैक टू यूट्यूब चैनल, मैं आपका रोहित। तो आज हमारा टॉपिक है यामा RD 350। भाई साहब, जो बाइक है ना, यामा RD 350 इज गुड बाइक। वो अपने टाइम की बट एक टाइम की बहुत प्यारी बाइक है और काफी लोगों की ज्यादा फेवरेट भी बाइक है। जैसे कि बट मेरी यामा RD 350 बट फेवरेट बाइक है। हम उस गाड़ी का अगर एक्सलरेशन की बात करें तो भाई साहब, जो उस गाड़ी में पिकअप है, बहुत ज्यादा पिकअप है। और उस गाड़ी की स्पीड की बात करें तो हाई स्पीड बाइक है। तो यामा RD 350 बट कौन सी बाइक है? यामा RD 350 टूरिस्ट स्टॉक में आती थी, डबल सिलेंडर बाइक आती है। यामा 350 जैसे हमारी यामा 100 आती है, यामा RXZ आती है, RXG आती है, 5 स्पीड जो हम जिसको हम बोलते हैं। तो बट अब हम सुजुकी बात करें, जैसे सुजुकी आती है, सुजुकी शावलिंग आती है, काफी ज्यादा सुजुकी में मॉडल आते हैं। तो भाई साहब, जो हमारी यामा RD 350 है ना, बहुत बहुत अच्छी बाइक थी पहले जमाने की। बट लेकिन हाँ, अब वो गाड़ी देखने को बहुत कम मिलती है, काफी ज्यादा ओल्ड बाइक हो चुकी है। तो बट उसको कोई रखता नहीं है। तो बट जो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो मेरे पास जो ब्लू कलर की बाइक है और मैं उसकी आपको आवाज भी सुनाता हूँ। भाई साहब, जो उसकी आवाज है ना, बहुत बहुत प्यारी आवाज है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी बाइक के पास, तो मैं उस बाइक की आपको आवाज भी सुनाता हूँ, उस बाइक में मैंने क्या क्या चीज चेंज कर दी। तो चले चलते हैं अपनी यामा RD 350 के पास। तो चले गाइस, मैं आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ, यामा RD 350। तो ये आ गई हमारी यामा RD 350। जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब, जो बहुत शानदार मशीन है हमारी यामा RD 350। जैसे मैं आपको बताया इसमें मैंने क्या की चेंज किया, चल मैं आपको ये बताता हूँ। ये बाइक थी हमारी पाइन वाली बाइक थी, इस बाइक को मैंने इलेक्ट्रॉनिक पूरा कराया और इसमें हाइड्रोलिक क्लच लगाया। बट इसमें भाई साहब, जो इसकी तार जो थी ना, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा इसकी तार टूट रही थी और काफ़ी ज़्यादा क्लच का बहुत ज़्यादा हार्ड चला, तो हमारे हाथ में दर्द हो जा रहा था। बट मैंने इसमें क्या करा, हाइड्रोलिक क्लच लगा दिया और इसमें जैसे सम टाइम जैसे क्लच की तार टूट जाती, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, बट हम नहीं चला सकते थे क्लच की तार के बिना। तो इसमें मैंने क्लच की तार निकाल दी, इसमें पूरा हाइड्रोलिक क्लच लगा दी, उसमें एयर चैम्बर भी लगाए। तो हमारी यामा RD 350 हाई टोर वाली, लो टोर वाली नहीं, हाई टोर वाली में और लो टोर वाली में क्या डिफरेंट है मैं आपको इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हमारी यामा RD 350 हाई टोर वाली है, डबल सिलेंडर बाइक है। यामा RD 350 टूरिस्ट तो बाइक, जैसा आप सबको मालूम है यामा ये पहले आती थी, बट अब आप देखिए मैंने इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करी है, एयर चैम्बर भी लगाए और हाइड्रोलिक क्लच भी लगाए और डिस्क ब्रेक भी लगाए। बट ये डिस्क ब्रेक में गाड़ी आती थी, बट मैंने अब इसमें लगाए। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ओ माय गॉड, इतनी प्यारी आवाज़ निकल रही। चले मैं आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ। भाई साहब, ऐसी शानदार मशीन है ना यामाहा RD 350 इज गुड बाइक। आप इसके बाद सुन रहे हैं कितनी प्यारी इस बाइक की आवाज़ है। हमारी टूरिस्ट स्टॉक यामाहा RD 350 है ये। अब चल मैं इसके आपको इंजन की आवाज़ भी सुनाता हूँ। इसमें अच्छी डबल ही होती है। तो ये हमारी बाइक जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक में बाइक, इसका सब कुछ चल रहा है, इंडिकेटर और हेडलाइट वगैरह सब कुछ इसका ऑन है बाइक निकालने के बाद भी। और बट सब में मजे की बात, तो इस बाइक की बैटरी भी हमारी चार्ज होती है गाइस इलेक्ट्रॉनिक बनाने के बाद भी।